चरखी दादरी पुलिस अधिकारियों एवं आरक्षण को लेकर 22 अप्रैल को वायरल हुई आपत्तिजनक वीडियो पर कार्रवाई करते हुए चरखी दादरी पुलिस के द्वारा एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व चरखी दादरी में अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर चरखी दादरी निवासी एक व्यक्ति के द्वारा सवाल खड़े किए गए थे, जिस पर एक वीडियो भी वायरल किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा पहले ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था तो अब वहीं एक और व्यक्ति को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। वायरल वीडियो में चरखी दादरी निवासी व्यक्ति के द्वारा आरक्षण से संबंधित कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई बताई जा रही हैं, जिस पर दलित समाज के लोगों के द्वारा भी चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सौंपा गया था। मामले पर संज्ञान लेते हुए चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के द्वारा मामले की जाँच की जिम्मेदारी बाडडा DSP अनिल डूडी को सौंपी गई, जिसमें वह एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं तो वहीं अब जाँच के दौरान दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए चरखी दादरी अधीक्षक विनोद कुमार के द्वारा बताया गया कि जिस व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा वीडियो को बनाने में मदद की गई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। उन्होंने बताया कि मामले में 3 से 4 लोग शामिल हैं और अभी जांच चल रही है। जैसा कि मालूम है कि तकरीबन 10-12 दिन पहले तकरीबन 22 अप्रैल के आसपास एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक तमाम SC कम्युनिटीज को गाली दी गई थी और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी और उसको बनाने में और उसको वायरल करने में 3-4 लोगों का हाथ था। तो उस मुकदमे में आपको पता है पहले हमने एक आदमी आरोपी को गिरफ्तार किया था, एक कल आरोपी गिरफ्तार किया है। इसने भी उसमें बनाने में ना सिर्फ मदद की है बल्कि उसको इंस्टिगेट भी किया है और अपने फेसबुक पर उसको अपलोड करके वायरल भी किया है। सर, कुछ सूत्रों से पता चला कि इन्होंने बनाने में मदद नहीं की, केवल शेयर किया गया बताया गया, तो क्या शेयर करने पर भी इस तरह का जो मामला बनता है? सर देखिए, ये तो कोर्ट में ही प्रूव करेंगे हम, और आपको भी पता है कि बनाने में पूरी मदद थी। जब ये जब बनी थी तो ये भी वहीं मौजूद था और उसको लेके भी यही गया था। ये 3-4 लोग इसमें शामिल हैं पूरी तरह से। और कितने लोगों पर इस तरह की कार्रवाई और होने की है इसमें? इन्वेस्टिगेशन में जो जो नाम आएगा आगे देखेंगे। अब किसी को सर नोटिस भी भेजे गए इस मामले में? ये तो मेरे नोटिस में नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वहीं गिरफ्तारी की सूचना पाकर पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी चरखी दादरी पुलिस थाना पहुंचे और उन्होंने गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। अचंभे की बात है कि एक आदमी को, उसको जो है हमारा एक साथी को यहाँ से पकड़ के ले गए और अब उस पर केस DSP के, तो मेरे को पता ही नहीं केस के। अरे इतना अन्याय तो मत करो, ये मैं अब लास्ट मैं धरना दे के बैठूंगा, बता देता हूँ। आज तक मैं चुप बैठा था क्योंकि मैं एक ऐसा सीजन है कि कोरोना सीजन है, ये कोरोना तो बताऊ को नहीं बाबू, और पकड़ पकड़ के लोग अंदर करो। इसने क्या कहा, ये कहता है इसका कोई कसूर ही नहीं है, साबित कर दे अगर इन मदम हो। और मैं विज साहब से प्रार्थना करता हूँ, विज इतना अन्याय मत कर, तेरे अंदर से निकलेंगे ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ। एक दुखी आत्मा होते हुए कह रहा हूँ, तो देखता हूँ मैं क्या होता है और इससे जाता ये क्या करेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, कोई मत लड़ो, भ्रष्टाचार होने दो, भ्रष्टाचार इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता।